নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ। আজ আমরা উত্তরপ্রদেশে আলুর গ্রাউন্ড রিপোর্ট করতে চলে এসেছি মেনপুরি জেলার কুড়াবলি মান্ডিতে। চলুন এখন এখানকার বিশিষ্ট আলু চাষী এবং ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিই আজকে মেনপুরি জেলার এই কুড়াবলি মান্ডিতে কোন কোন ভ্যারাইটির আলুর কেমন দাম আছে, এখানে আলুর বর্তমান কি পরিস্থিতি আছে, এবং তার পাশাপাশি দেখে নেব এই কুড়াবলি মান্ডিতে আজ আগত আলুর কিছু স্যাম্পেলও। দর্শক বন্ধু, সকাল থেকে সারা ভারতবর্ষের আলুর বাজারদর লাইভ আপডেট পেতে এখনই প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। চ্যানেলে নতুন হলে উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের আলুর গ্রাউন্ড রিপোর্ট প্রতিদিন দেখার জন্য ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে নেবেন। নমস্কার জি, নমস্কার। आज कुरावली मंडी में अगर आमदनी की बात की जाए तो कितनी आवक क्या कैसी रही होगी? आमदनी होगी भैया 6-7 गाड़ी, 6-7 गाड़ी होगी। जैसे अभी जो मंडी में आवक आ रही है आलू की, तो ये डंप वाला ज्यादा आ रहा है या डायरेक्ट खुदाई होके आ रहा है? डायरेक्ट वाला भी आ रहा है और डंप वाला भी आ रहा, दोनों आ रहे हैं। डंप वाला, हाँ दोनों आ रहे हैं। खुदाई कितनी क्या रहेगी होगी अभी? अब तो बस एंड ही है, जो चल जाए 4-6 दिन 8 दिन और क्या है, 4-8 दिन तक। किसी किसी गाँव में जो पक्की खेती धान वाले वगैरह करते हैं तो उनका ही वही चल रहा है, लेट वालों का ही। और ज्यादातर हमने देखा है कई कई गाँव में तो बिल्कुल खुदाई बंद हो चुकी है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हाँ तो वही कुछ गांव बचे और तो भाई बहुत जगह समाप्त हो चुकी है। जैसे स्टोर में तो आलू जाना खत्म हो चुका है लगभग। और क्या पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो कई जगह से खबर आ रही है, हम भी कल गए थे वीडियो बनाने स्टोर की, तो आलू वहाँ पर जैसे निकासी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हो गई है इस साल, कुछ ज्यादा जल्दी निकासी अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई है। हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो ठीक है, किसान अपना बेचता रहे ठीक है, दाम मिल रहा है किसान को, बेचना चाहिए अपना ठीक है। जैसे इस साल जल्दी निकासी हो रही है उसके हिसाब से आलू के, जैसे बताया जा रहा है कि इस साल इतनी जल्दी कभी भी निकासी स्टार्ट नहीं हुई आलू की, उस हिसाब से आलू के भाव अच्छे होंगे, अच्छे ज्यादा मिल सकते हैं, या फिर सही निकासी अगर होती रही तो किसानों को फायदा होता रहेगा। लेकिन जो उम्मीद कर रहे हैं कि 2000 रुपये कट्टे तक कोई बता रहा है, वो हो सकता है? अरे सब्जी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, 2000 रुपये नहीं बिकेगा। जैसे आज अभी हम कुराली मंडी में उपस्थित हूँ, आज आलू क्या भाव बिका है? आलू ये मानिए भैया आप 1250 रुपये क्विंटल से और 1700 रुपये क्विंटल तक बिका है। 1250 से 1700 रुपये क्विंटल तो पिछले दिनों से ये आलू महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? मद्दा हो गया भैया, सस्ता हो गया। हाँ, 1 रुपये किलो मद्दा मान लो आप, आज 1 रुपये किलो में सस्ता हुआ है जी। तो क्या कारण रहा इसका जो सस्ता हो रहा है? असल में डंप वाले आलू जो ताजी खुदे आलू है ना, जो आ रहे हैं ताजी खुदे जो खेत के, ये जाके बाहर जाके दागी बैठ रहे हैं, ये वजह है। ये जो हम आलू ख्याति आलू वीडियो में दिखा रहे हैं, ये 581 रुपये क्विंटल की आज बिक्री हुई जी। जी जी, हाँ ये 1450 रुपये क्विंटल, तो 1450 रुपये आलू बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है, ये ताजी खुदा हुआ है इसलिए। तो इस वजह से ये अगर डंप वाला होता तो क्या रेट बिकता ये वाला? तो ये फिर वही बिकता 640-650 रुपये मन का, 640-650 रुपये मन जी। मंडी में जैसे आमदनी अभी कम है पिछले दिनों तक, अब कम ही रहेगी जी, तो कितने दिन तक और मंडी में हमारा आलू आता रहेगा? 4-10 दिन और समझिए आप, 10 दिन और आएगा और क्या। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रंगलाल। आप ये आलू जो वीडियो में दिखा रहे हैं ये कौन सी जगह से लेके आए? अड़ूपुर से। अड़ूपुर से? हाँ जी। ये मैनपुरी के पास में जी। और ये आलू आप हम देख रहे हैं ट्रॉली में ये भर रहे हैं, क्यों भर रही होगी ट्रॉली में आप? ये सस्ता की वजह से भर रहे हैं, 580 रुपये मंगा था कल, ये 580 रुपये मन कुरौली मंडी में ये आलू आपकी आलू की मांग हुई थी, ये ख्याति आलू, तो आपने ये बेचा नहीं है? हाँ नहीं। क्यों नहीं बेचा आपने ये? सस्ता की वजह से। सस्ता बिक रहा था जी, तो इससे भी महंगा कहीं बिक रहा है क्या? हाँ जी। हाँ, जयपुर बिक रहा है 1800 रुपये बिका, 1800 रुपये क्विंटल सर मंडियों में। हाँ, तो इसकी क्या कैसी पैदावार थी आलू? इस 100 कट्टे की पैदावार थी इसकी। 100 कट्टे बीघे जी। कौन सा आलू है ये? ख्याति आलू 100 कट्टे बीघे, पहली बार सुन रहे हैं। हाँ जी। कितने बीघे का आलू है ये? ये 1 बीघे का है। 1 बीघे। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ, क्या नाम था आपका? रंगलाल। ये रंगलाल जी बता रहे हैं ये ख्याति आलू 100 कट्टे बीघे का मैनपुरी जिले में निकला है और अड़ूपुरा गांव के रहने वाले हैं ये, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ख्याति आलू 100 कट्टे बीघे का बताया जा रहा है जो कि निकला है 100 कट्टे बीघे का। आपको वीडियो में दिखा सकते हैं,
बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी का आलू है, तो चोचक भी है। ये 580 रुपए मन की बिक्री हुई थी करौली मंडी में, और किसान भाई ने अपना बेचा रही है आलू। ये आलू अपने घर ले जा रहे हैं, पता नहीं किस मंडी में और किस जगह ले जाएं। तो ये एक बीघे में 100 कट्टे भी आपका आलू निकला है जी, तो सबका निकलता है क्या? आपका ही निकला है? तो किसी का 95 निकलता है, किसी 80 का निकलता है, कि 100 कट्टे का निकलता है। इस साल ये पैदावार ज्यादा हुई है, बहुत अच्छा आलू निकला है। तो हमारे गांव निकलता दूसरे गांव से थोड़ी मतलब से। नहीं तो पैदावार तो इस साल अच्छी होगी पिछली साल से? नहीं, पिछली साल और इस साल बराबर है। बराबर है, हाँ जी। और स्टोर की क्या कैसी स्थिति आपके क्षेत्र में? स्टोर की स्थिति मेरे गाँव में सब बेचते हैं, टोटल पूरा थोड़ा रखते हैं, स्टोर में नहीं रखते हैं। जैसे जो स्टोर की निकासी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी बिक्री क्या कैसी चल रही है? स्टोर से भी आलू निकलने लगा है? अभी मेरे गांव का नहीं निकला। आपके यहां का नहीं निकला? नहीं। आज मैं अभी करौली मंडी में उपस्थित हूं। आप ये आलू देख सकते हैं वीडियो में, ये ख्याति आलू है, बढ़िया क्वालिटी का, ट्रॉली में भरा हुआ है। अभी आपको दिखा रहे हैं ये ख्याति आलू, और आज करौली मंडी में इसकी क्या रेट बिक्री हुई है और किस जगह का आलू है। अभी हम यहाँ पर यहाँ के किसान भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे आलू के बारे में पूछेंगे और ये कितना आलू लेके आए थे और कौन सी जगह से लेके आए हैं। आप देख सकते हैं ये ख्याति आलू है ट्रॉली में, करौली मंडी में अभी हम उपस्थित हूँ, और इधर करौली मंडी का आप नज़ारा देख सकते हैं। अभी आलू की आमदनी करौली मंडी में अब कम आने लगी है गर्मी की वजह से, और आलू की खुदाई लगभग इस क्षेत्र में समाप्त हो चुकी है, और ज़्यादातर डंप वाले आलू आते हैं, और इनसे पूछेंगे डंप के आलू कब तक आते रहेंगे मंडी में, और भी मंडी में आलू के बारे में जानकारी लेंगे इनसे। हमारे साथ ये किसान भाई हैं, इनसे आलू के बारे में पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बीरेन सिंह। बीरेन सिंह, ये जो हम आलू दिखा रहे हैं वीडियो में, ये कौन सा आलू है आपका? ख्याति। ख्याति आलू है। आप कौन सी जगह से ये आलू लेके आए हो? ग्राम अड़ूपुर से। तो ये ख्याति आलू कितनी कट्टे पैदावार थी? कितने कट्टे? 60 पैकेट बीघे कट्टा। कितने? 60 पैकेट। 60 पैकेट कट्टे बीघे। इस साल आपके क्षेत्र में पैदावार कैसी क्या है? कम है पिछली साल से ज़्यादा होगी? भाई है 50-60। पैदावार कम थी पिछली साल से? कम नहीं तो उतनी ही थी, बराबर थी, उतनी ही थी। और आपके क्षेत्र में डंप की क्या कैसी है? डंप वाला है आलू या फिर आप? हमारे यहाँ डंप लगती ही नहीं है, तो डायरेक्ट खुदाई करके लेके आए हो? डायरेक्ट खुदाई करके आता है। तो ये खुदाई कितने दिन तक और चलेगी? अब वो 4-6 दिन और है बस। 4-5 दिन और है। कितने परसेंट रह गया होगा आलू खुदाई के लिए? अब तो बहुत कम है, क्या परसेंट, अब तो इक्का दुक्का खेत दिखाई देते हैं जहाँ तहाँ, और सब खुद चुका है। एक दो खेत रह गए, लगभग 10-5% रह गया है। ये आलू जैसे आप बता रहे थे अभी, उसके बारे में बताइए कि सुबह कुछ महंगा बिक रहा था, फिर आपने बेचा नहीं, तो उसकी भी जानकारी आप दे दीजिए, दर्शक लोग देखते हैं वीडियो। अब वो तो अपने मान लो नहीं लेते हैं, ग्राहक आलू पे हाँ लेते हैं, मान लो बिकने भाव तो वही चल रहे हैं, लेकिन व्यापारी लोग अपने ग्राहक लेते हैं। जैसे ये आलू आप वीडियो में देख सकते हैं, ये करौली मंडी में ये ख्याति आलू है, और इसकी एक मन में 40 किलो आलू होता है। क्या रेट इसकी बिक्री हुई है? 581। ये 581 रुपये मन आज करौली मंडी में आलू बिका है। ये जो आलू की अभी तुलाई चल रही है करौली मंडी में, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं आलू, ये कौन सा आलू है भाई साहब? ये ख्याति आलू है, ये गड्ढ आलू है ख्याति। आप देख सकते हैं गुल्ला और ये जो छोटा बड़ा सब मिक्स आलू है, और ये करौली मंडी में अभी उपस्थित है, उसकी आलू की तुलाई चल रही है, आपको हम अभी वीडियो में दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर किसान भाई से आलू के बारे में पूछेंगे, कौन से गांव से आलू लेके आए हैं, ये डायरेक्ट खुदा हुआ आलू है या फिर कि डंप वाला आलू है, इनके क्षेत्र में डंप या उसकी क्या कैसी स्थिति है, उसके बारे में जानकारी देंगे, और इन्हीं से इसके आलू के बारे के भाव के बारे में पूछेंगे। आज करौली मंडी में ये क्या रेट आलू बिका है? आप देख सकते हैं आलू की लगातार तुलाई चल रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार है। तो आप कौन से गाँव से आलू लेके आए हो? हम नगला सकरी से लेके आए हैं। सकरी से? हाँ। और ये हम वीडियो में दिखा रहे हैं जो आपका गड्ढ आलू है, ये कौन सा आलू है जिसकी तुलाई चल रही है अभी? ये ख्याति आलू है, मिक्स है इसमें थोड़ा। ख्याति आलू है? हाँ।
तो ये गड्ढा आलू आज करौली मंडी में इसकी क्या रेट बिक्री हुई है? आज क्या रेट किया? 521 रुपए बिका है। 521 रुपए मन की मन बिका है, मन की बिक्री हुई है। आपको हाँ। दिखा रहे वीडियो में, ये गड्ढा आलू है, इसमें हरा गुल्ला और ये सब तरह का आलू मिक्स है। आज करौली मंडी में इसकी बिक्री 521 रुपए मन की हुई है करौली मंडी में। हाँ जी। तो भाई साहब आपके तरफ ये आप डंप वाला आलू लेके आए हो डायरेक्ट खुदाई वाला? नहीं, दो चार दिन हुए तो खुदे हुए। दो चार दिन खुदे हुए थे। आपके क्षेत्र में खुदाई कैसी क्या रहेगी? ये खुदाई तो लगभग सब हो ही चुकी है, कुछ डंपिंग पड़ा है अभी। डंप वाला पड़ा है। हाँ, जैसे आपके क्षेत्र में डंप पिछले साल से ज्यादा लगाई गई है, कम लगाई गई? पिछले साल से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं है। डंप पिछले साल से ज्यादा है इस साल। और जैसे कि आपके यहाँ स्टोर की क्या कैसी? स्टोर में पिछले साल से आलू कम रखा गया है, ज्यादा रखा गया है? अब पिछले साल के मुताबिक कुछ अधिक ही है, कम नहीं है। पिछले साल से कुछ ज्यादा है। हाँ। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচারবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর, আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর, আলুর সকালের বাজারদর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।